शुक्राचार्य जी के नीति आता है, स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। शुक्राचार्य जी कहते हैं हंसी मजाक में झूठ बोलने में पाप नहीं, और व्यापार में झूठ बोलने में पाप नहीं, नारी से झूठ बोलने में पाप नहीं है। लेकिन वो शुक्राचार्य जी की अपना अलग नीति, व्यापार में लोग झूठ बोलते, जब तक व्यापारी झूठ ना बोले तो उनका तो थोड़ा सा 1% भी व्यापार नहीं होगा, है ना। इसलिए व्यापार में झूठ बोलना पाप नहीं है, स्त्री से झूठ बोलना पाप नहीं है। कब कब झूठ बोल सकते हैं? जब नारी व्यर्थ जिद करे, आपके पास में अभी 10,000 है, आपकी पत्नी ने कह दिया वो 20,000 वाला साड़ी लेके आओ, तो ऐसे अवस्था में आप बोल सकते हैं अगले महीने जब पेमेंट आ जाए तब आपको वो वाला साड़ी दिला दे। ये झूठ से स्त्री को थोड़ा सा शांति तो मिलेगी। हाँ, ऐसे अवस्था में झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन हर जगह झूठ बोलना महापाप है। आजकल के लोग झूठ ही झूठ में जी रहे हैं। जितना जरूरत हो बस उतना बोलो, जरूरत नहीं है तो झूठ मत बोलो। कोशिश तो ये करना चाहिए कि हमें झूठ बोलना ही नहीं, लेकिन होता है झूठ के बिन काम ही नहीं चलता, तो कभी कभी झूठ भी लोग बोल लेते हैं। आपके एक झूठ से किसी का प्राण बच जाए तो वो झूठ बोलना भी पाप नहीं है। हंसी मजाक में झूठ बोलना पाप नहीं है, लेकिन हर जगह झूठ बोलना महापाप है। आजकल के लोग तो झूठ में ही जी रहे। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम विद्यते। नारद जी कह रहे हैं संसार के लोग सत्य नहीं बोलते, दया का भाव नहीं, दान का भाव नहीं, पवित्रता नहीं, इसलिए लोग दुखी हैं।